इंट्राकॉल और M45 जो शुरुआती दिनों में फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार प्रिय किसान भाइयों, आपका अपने चैनल जीपा खेती बाड़ी में फिर से एक बार स्वागत है। मैं इन दो फंगीसाइड को आपके लिए लाया हूं जो हम अक्सर शुरुआती दिनों में डालते हैं, तो इनकी संपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। तो इंट्राकॉल की बात करेंगे जिसमें आता है टेक्निकल प्रोपीनेप 70% WB। किसान भाइयों, इसकी मैं कार्य प्रणाली की बात करूंगा आपसे, तो इसमें क्या होता है, एक तरह से जिंक युक्त डाइथायरेट कॉम्बोमेट में आता है। तो आपको अक्सर पता होगा कि जो जिंक है हमारी फसल में हरापन लाता है, और जो फंगस पे इस प्रकार काम करता है कि उसकी जो खाने की क्षमता है उसको खत्म कर देता है और फंगस को वहीं का वहीं खत्म कर देता है। इसको डालने से हमारी फसल में कुछ हद तक हरापन जरूर आ जाता है इंट्राकॉल को डालने से। अब हम बात करेंगे दूसरे टेक्निकल की जिसका नाम है M45, जिसमें आता है मेनकोजेब 75% WP। अब ये क्या है, जो फंगस है उसके एंजाइम पर काम करता है, मतलब उसकी जो खाने के बाद पचाने की क्षमता है उसको वहीं का वहीं खत्म कर देता है, जिससे फंगस खत्म हो जाती है। तो ये तो दोनों टेक्निकल की हमारी बात हो गई कि इस प्रकार फंगस को खत्म करता है। अब मैं आपसे इनके वर्षा प्रभावों की बात करूंगा। तो दोनों टेक्निकल का मिनिमम है कि हम 2 घंटे तक अगर जो हमने स्प्रे कर दिया है हमारे खेत में और उसके पश्चात वर्षा हो गई है तो ये अपना अपना काम कर देंगे। यदि इसके पहले आपके खेत में बारिश हो गई है या आपने शाम के टाइम उड़ाया है और मतलब ज़्यादा लेट हो गया उड़ा, जैसे ठंड का सीजन चल रहा है और ज़्यादा लेट हो गया, 6-7 बज गए, वहाँ पे ओस गिरने लग गए, तो भी इनके काम करने की क्षमता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। अब किसान भाइयों, मैं बताऊँगा कि किस प्रकार इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो दोनों फंगीसाइड है इसमें से जो इंट्राकॉल है उसका स्प्रे और ड्रिंचिंग दोनों के रूप में काम ले सकते हैं, वहीं जो M45 है उसका स्प्रे ड्रिंचिंग और आप बीच का ट्रीटमेंट में भी बहुत आसानी से काम ले सकते हैं। अब यहीं पर मैं फसल की बात करूँगा किस किस फसल पर काम में ले सकते हैं। तो इंट्राकॉल हो गया, जैसे आपके अंगूर हो गए हैं, आलू हो गया है, टमाटर हो गया है, मूंगफली हो गई है, इन फसलों पर आराम से काम ले सकते हैं। और जो M45 है वो करीब करीब सभी फसलों पर बहुत आसानी से काम में आ जाता है। अब वहीं हम आगे बढ़ते हुए डोज की बात करेंगे, तो जो इंट्राकॉल है उसका प्रति एकड़ का डोज है 350 से 400 ग्राम। अब M45 की बात करूंगा मैं आपसे, तो उसका है 600 से 800 ग्राम प्रति एकड़। अब यही मैं रेट की बात कर लेता हूं आपसे, तो जो इंट्राकॉल है वो 1000 रुपये प्रति किलो आता है। वहीं M45 की बात करूं तो 480 रुपये से ले जाके 500 रुपये प्रति किलो आता है। रेट मार्केट में ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि ये करंट रेट मैंने आपको बताया था इस वक्त का। अब मैं आपसे वहीं आपको प्रति एकड़ खर्च की बात करूंगा, तो दोनों का 400 रुपये प्रति एकड़ खर्च आता है, करीब करीब सेम है। अब इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है वो हमारे हिसाब से, इसमें से जो हम कहना चाहेंगे आप शुरुआती दिनों में जो पहला स्प्रे करने जा रहे, तो M45 के बजाय आप इंट्राकॉल का इस्तेमाल कीजिए। क्या होता है कि फसल में हरापन बनाए रखता है, साथ में पौधे का जो तना होता है उसमें जो उसकी जो मोटाई है मतलब थिकनेस उसको बढ़ाने में भी काफ़ी हद तक मदद करता है। पर ध्यान रखिएगा किसान भाइयों, इंट्राकॉल को बीच ट्रीटमेंट में नहीं लेना है काम में। आप M45 भी उड़ा सकते हैं, उड़ाते हैं तो कोई समस्या नहीं है, पर ज़्यादा बेस्ट हमारे हिसाब से इंट्राकॉल है। तो ये तो मैंने आपको दोनों की जानकारी संपूर्ण दे दी है, आपको कौन सा बेस्ट लगे आप दोनों में से कोई सा उड़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे अपने और किसान भाई साझा करना ना भूले। धन्यवाद।